हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। जो लोग हमारे चैनल में नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। एम्स रायपुर छत्तीसगढ़ की तरफ से आज 23 डेट है, ठीक है, 23 दिसंबर है। आज न्यू नोटिस आया है, देख सकते हैं आप, फाइनल रिजल्ट आ गया है। किस किस पोस्ट का आया है? फॉर द पोस्ट और लाइब्रेरियन ग्रेड 3rd, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्निकल अफसर, डेंटल एंड डेंटल टेक्नीशियन, SR हिंदी अफसर प्लस SR नर्सिंग अफसर, ठीक है। इन सब का रिजल्ट जारी किया गया है, देख सकते हैं आप। जो आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 17/6/2023 को निकला था, देख सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट RCNF-R3/2023, ठीक है, क्योंकि 22 तारीख को इसमें एक्सटेंड कर दिया गया था, 22 तारीख को जिनका हुआ था, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देख सकते हैं आप। CBT एग्ज़ाम इन्होंने बताया कि कब क्या क्या हुआ था, ठीक है, CBT एग्ज़ाम कब हुआ था सब इन्होंने बताया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए कौन कौन एलिजिबल हुआ था, मतलब कि कितने कैंडिडेट बुलाए गए थे, कैसा क्या है, ठीक है। लाइब्रेरियन की 3 पोस्ट थी, 3 रजब की थी, 1 OBC की थी, 1 PWBD की थी, ठीक है, देख लिया आपने। टोटल थे इसमें DB के लिए बुलाए थे इन्होंने 15 लोग बुलाए थे, प्रेजेंट 10 लोग हुए थे, मतलब 5 लोगों ने DB छोड़ दी थी, ठीक है। प्रो एलिजिबल सिर्फ 2 हुए थे, ठीक है, नॉट एलिजिबल 3, ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की बात करता हूँ, 6 लोगों को बुलाया था इन्होंने, 6 लोग प्रेजेंट हुए थे। नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर DB के लिए 6 लोग इन्होंने बुलाए थे, ठीक है, 2 सीट के लिए, और जो प्रेजेंट हुए थे सिर्फ 4 हुए थे, इसका मतलब 2 ऐसे ही एबसेंट हो गए थे, नॉट एलिजिबल, ठीक है। एक 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 एलिजिबल हुआ है इसमें, 1 प्रो एलिजिबल हुआ है, देख सकते हैं आप। ऐसे ही स्टोर कीपर की बात करता हूँ, देखिए 29 लोग इन्होंने बुलाए थे, 26 गए हैं, एलिजिबल 5 हुए, प्रो एलिजिबल 14 हैं, ठीक है, नॉट एलिजिबल 7 हैं। डेंटल टेक्नीशियन की बात करता हूँ, 3 वैकेंसी, 9 बुलाए थे, 8 इसमें प्रेजेंट हुए थे, 5 एलिजिबल, 3 नॉट एलिजिबल, ठीक है, देख सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे ही हिंदी अफसर की देख लीजिए आप, ठीक है। हिंदी अफसर में क्या सीन था, हिंदी अफसर में 4 इन्होंने बुलाए थे, ठीक है, चारों प्रेजेंट हो गए थे, एलिजिबल भी 2 हुए हैं, ठीक है, और इन्होंने 2 का विवरण नहीं दिया है, पर ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हैं SR नर्सिंग अफसर, ठीक है, 266 को बुलाया था उन्होंने, ठीक है, 175 प्रेजेंट हुए थे, आप अनुमान लगा सकते हैं 266 175 कितने अब्सेंट हुए हैं, ठीक है, क्लियर कर दिया, ठीक है, देखिए आप। और एलिजिबल इसमें 59 हुए थे, 96 इसमें प्रो एलिजिबल है, नॉट एलिजिबल इसमें 19 है, ठीक है, अब इन्होंने बता दिया है, क्लियर कर दिया, ठीक है। अब देख लीजिए बेस्ड ऑन CBT और कैंडिडेट फाउंड एलिजिबल एंड प्रोबेबिलिटी एलिजिंग आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है, वेरिफिकेशन के बाद उन्होंने बताया, ठीक है। आप देख सकते हैं 17/6/2023 को नोटिस रिलीज हुआ था, उस बारे में उन्होंने बताया। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, जो लोग सिलेक्ट हो गए हैं उसका विवरण नीचे दिया गया है, मतलब उनकी लिस्ट नीचे दी गई है, ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों के लिए भी, ठीक है। इनने बस यही लिखा है कि ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इशूड शॉर्टली, जल्द से जल्द आपका जो ऑफर लेटर है वो आपका भेज दिया जाएगा, आपको डेली आपको विजिट करनी है, ठीक है, उन्होंने पहले बता दिया। ईमेल आईडी में आपको इंक्लूडिंग स्पैम फोल्डर में आपको भेजा जाएगा, ठीक है, स्पैम वाले फोल्डर में आपका आएगा, ठीक है, इन्होंने क्लियर कर दिया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जल्दी शॉर्टलिस्ट भेज दिया जाएगा। एम्स रायपुर की वेबसाइट को आपको डेली विजिट करना है, उससे बढ़िया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको अपडेट दे देंगे, ठीक है, जब भी अपडेट हुआ, ठीक है। लिस्ट देख लीजिए आप कैसे क्या है। डेट लाइब्रेरियन की बात करता हूँ, क्योंकि इसमें वेटिंग लिस्ट भी, क्योंकि जो प्रो एलिजिबल हुए हैं, ठीक है, उनकी वेटिंग में रखा जाता है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, आराम से देखिए। अनरिजर्व कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन सिलेक्ट हुआ है, ठीक है, OBC वाले OBC में ही हुए हैं, ठीक है, अनरिजर्व सिलेक्टेड हैं PWBD से, ठीक है, देखिए ये सिलेक्टेड हैं, ये वेटिंग लिस्ट में हैं 3 लोग इसमें, ठीक है। ऐसे देखिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में दोनों को दोनों प्रेजेंट हैं, पी लिखा है तो PWBD, देखो शॉर्ट फॉर्म लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लास्ट में जाएंगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने लिख देते हैं किसका क्या मतलब, हैच और स्टार भी लगे होंगे इसका मतलब, ठीक है, फाइनल एलिजिबिलिटी और PWBD, क्योंकि उनका भी वो देखा जाएगा जो सर्टिफिकेट इनका होता है डिसेबिलिटी का, कि सही है कि नहीं, रिपोर्ट उसकी देखी जाएगी मेडिकल बोर्ड एम्स रायपुर की तरफ से, ठीक है। हैशटैग स्टार का मतलब है सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिग्री डिप्लोमा बाई UGC, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूँ डेंटल की, आप देख लीजिए 3 लोग वेटिंग में हैं, ठीक है। ऐसे ही SR हिंदी अफसर में 1 लोग वेटिंग में हैं, नर्सिंग अफसर में आप देख सकते हैं 1 लोग वेटिंग में हैं प्लस, और देखिए आप, ठीक है, इसमें तो कितने लोग वेटिंग में हैं, ठीक है, वेटिंग 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 वेट सिलेक्टेड हैं ये लोग तो, ठीक है। अदर देखें नर्सिंग अफसर की, और
ठीक है, फीमेल, ये मेल वाला था, ठीक है, ये मेल वाला है, ऐसा है ना, ये फीमेल वाला था, इसमें ये बॉल लोग वेटिंग में है, देख सकते हैं आप आराम से, ठीक है, आराम से देख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो लोग सिलेक्ट हुए हैं अच्छे से, अपने अच्छे से नौकरी दें, ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें अपडेटेड वीडियो के लिए, ठीक है, थैंक यू।